पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम ज्योति है। मेरा भाई मंगल के दिन से लापता था। सोमवार को था वो, मंगल के दिन गया था 9-10 बजे। मंगल के दिन से नहीं आया वो, नहीं मिला। हम लोगों ने ढूंढा भी उसको, आसपास पूछा तो बोले अब तो हमने देखा नहीं है, कई दिनों का नहीं मिला। मेरी मम्मी कह भी रही थी कि पता नहीं, फोन भी नहीं आया। मैं कहीं होता तो फोन उन करता या किसी को देखता, कोई बताता, चलो आ जाएगा, क्या पता कहीं चला गया हो। तो हम लोग इसी चक्कर में रहे। मेरा भाई शादी में गया हुआ था, बड़ा वाला भाई, दोनों। तो मेरा भाई आया बुध के दिन आ गया। मेरी मम्मी ने कहा कि भैया नहीं आया, दिख नहीं रहा, पता नहीं कैसे, पता ना क्या। तो बोला देख ले। फिर मेरे भाई ने भी देखा, आसपास पूछा सबसे कि मेरा भाई देखा है, तो वो बोला नहीं, हमने तो नहीं देखा, कई दिन हो गए तो देखा ही नहीं है वो। तो फिर क्या नाम है, यहाँ पे एक बंदे से वो बोल लिया था, ये सटपटाया फिर रहा था जो पकड़ा गया है। तो मम्मी कह रही भी सटपटाया फिर रहा है, पता नहीं, बार बार मेरे भाई को पूछ रहा था कि तुम्हारा बेबी मिल गया। मम्मी बोली कि इसे मुझे लग रहा है कुछ पता है क्या, ये ऐसे पूछ रहा है बार बार। तो हमने की पता नहीं ऐसी पूछ रहा होगा, तुम क्या ले रही हो, रहने दो, पता होता तो वो बताता। उसने एक बंदे से कहा था कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है, मैं देख के आया हूँ, मैं गया था, और वहाँ देख लो किसकी है, इनके भाई की तो नहीं है, ये देखा नहीं है मुझे, पता नहीं पक्का किसकी है। तो मेरे भाई से, उस भाई ने जिससे कहा था, उसने कहा कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है, वो बता रहा है जो लड़का जिसने मर्डर कराया, कि वो बता रहा है ऐसे ऐसे, तुम जाके देख लो यार, मुझसे परसों कह रहा था वो। तो फिर मेरे भाई ने उसको देखा, ढूंढा, पकड़ा, 2-3 जने और लिए यहीं मोहल्ले में, तो वो फिर चला गया, भाग गया। फिर मेरे भाई ने उसको फिर पकड़ लिया, तो बोला मेरे साथ चल, बता, या तो तू जगह बता दे। तो बोला ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगी, वहां तो पुलिस भी नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकता, ऐसी जगह है वो। तो बोला तू चल फिर बता। तो बोला चलो। फिर मेरे भाई ने उसे गाड़ी में बैठाया, कई 2-3 लोग और थे, उसको लेके गए। उसने वही जहाँ मर्डर करा था वही ले जाकर छोड़ा, वही खड़ा करा उसको। उसका राकेश राणा, क्या आपके भाई के दोस्त हैं? नहीं, कोई ऐसे, कोई हमारे कोई दुश्मनी कुछ नहीं। अब ये तो पुलिस निकालेगी कि मतलब क्या कार, मतलब क्या रंजिश थी उससे, क्या वजह से मारा, उसने क्या करा, वो खुद कबूलेगा। आपके भाई की शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, उससे कोई दुश्मनी, कोई कुछ नहीं थी। अब अंदर से कुछ आप हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे उसमें वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। क्या करते थे आप? मेरा भाई एक घर घर का काम करता था, ढोरों का, पशुओं का, और पापा के साथ भी ट्रांसपोर्ट पे चला जाता था। क्या नाम था? बेबी। बेबी की कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। अभी आपको क्या लगता है? ये मर्डर ही है, उसने कराया। देखो जो बंदा कोई भी है वहाँ पे, एकदम कोई ले जाकर खड़ा कर देगा तो एकदम उसी के काम होगा, ऐसे तो कोई नहीं ले जा सकता। वहाँ पे इतनी झाड़ियाँ थी, वहाँ पर इतना बहुत ही वो था, तो हर कोई पहुंच नहीं सकता वहाँ पर, समझ लो। तो एकदम उसने एक मेन चीज पे जाकर ले जाकर खड़ा कराया, तो उसी के काम है। हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो उसके खिलाफ, उसे सजा से कड़ी सजा दी मिली, जैसा उसने कराया उसको उससे उगलवाया जाए कि क्या रंजिश थी उससे, क्या किस वजह से मारा है, इतनी बुरी हालत से मर्डर कराया कि समझ लो बहुत। आपने देखा होगा उसका। मेरे भाई को कल 8 दिन, आज 9 दिन हुए हैं। हाँ, पुलिस में हमने परसों, हमसे कहा नहीं मिल रहा था, तो मैंने की मम्मी FIR दे दो जरा थाने में, कटघर थाने में। तो मैं, मेरी मम्मी FIR करके आए कटघर थाने में, सूचना दी, तो वो बोले आप ऐसा है फोटो दे देना, हम कल देख लेंगे। तो हम कल फोटो देते उनको, तो मेरे भाई ने फिर उसने बता ही दिया, मेरे भाई ने उसे पता लगा तो बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे एक लाश पड़ी, देख कर आओ। तीन भाई थे, 2 बहनें हैं। देखिए, थाना पागबड़ा क्षेत्र में कल एक डेड बॉडी मिली थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी, डिकम्पोज थी। उसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि थाना कटघर के गुलाबाड़ी से एक व्यक्ति 3 तारीख से अपने घर से सुबह 9 बजे निकला था अपने मित्रों के साथ, और वो वापस नहीं गया था। उसके बाद थाना कटघर पर उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, और उस गुमशुदगी को में छानबीन की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला था। ये डेड बॉडी उसी की थी, और उसके बाद परिवारिक जनों ने उसमें जिन मित्रों के साथ वो अपने घर से गया था उनके खिलाफ नामजद तहरीर दी है। जो एक लड़का नामजद है उसमें, उसको हम लोगों ने अभी अपने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो भी की जा रही है, इसे पूछताछ की जा रही है, और जो भी उसमें बाकी लोग शामिल होंगे
और जो भी एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से इसका निर्धारण होगा। सर तो कितने क्या टुकड़ों में थी वो बॉडी? देखिए, वो बेसिकली बॉडी काफ़ी दिन पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि वो डिकम्पोज भी हुई थी और संभवतः कुछ एनिमल्स वगैरह का भी उसके ऊपर अटैक हुआ होगा, तो इस तरह से वो डिवाइडेड दिख रही थी, कितने टुकड़ों में बॉडी थी? दो तीन टुकड़ों में बॉडी दिख रही थी वहाँ पर।